हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू RMPSU। तो आज हम बात करेंगे जो नए दो नोटिफिकेशन आए हैं इनके बारे में। ऑलरेडी एग्ज़ाम का जो सेंटर लिस्ट है वो ऑलरेडी इन्होंने दे दिया था, लेकिन इसके बाद में इन्होंने दोबारा से उसको चेंज करा है। और इन्होंने इस बार क्या करा है, जैसे आपको आप लोग देख ही रहे होंगे कि जो NEP वाले हैं यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिन जिन में लागू हो गई है, जिन जिन कोर्सेज में लागू हो गई है, उनके सेंटर अलग हैं। और जो NEP वाले हैं यानी कि जो जिन भी कोर्सेज में नई एजुकेशन पॉलिसी जो है वो लागू नहीं हुई है, उनके सेंटर लिस्ट अलग है। ठीक है, तो ये दोनों का इन्होंने अलग अलग दिया हुआ है। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं सेंटर लिस्ट के बारे में ही। इसको ओपन करके देखते हैं कहां कहां पर क्या है। तो पहले हम यहां पर बात करेंगे कि जो NEP वाले हैं यानी जिनमें जिन भी कॉलेजेस में या जिन भी कोर्सेज में न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं लागू हुई है और डिप्लोमा कोर्स भी साथ में, तो इन दोनों के जो एग्ज़ाम सेंटर लिस्ट है पहले हम बात करते हैं इसके बारे में। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ आपको ये देखना किस तरीके से है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये है इंस्टीट्यूट नेम। यहाँ पर आपको देखना है सबसे पहले अपना कॉलेज कि आपका कॉलेज है कौन सा। यहाँ पे ये जितनी भी यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर देख लेना है अपना कॉलेज। अपना कॉलेज यहाँ पे देखने के बाद में जैसे सपोज करो आपको पता चल गया कि मेरा कॉलेज ही है ये लाला राम श्री देवी महाविद्यालय अतरौली अलीगढ़। जैसे ही आपको पता चल जाता है ये आपका ही विद्यालय है, आपने फिर देखना है यहाँ पे ये कोर्स आपको पता चल गया आपका कोर्स कौन सा है। जैसे कि ये लाला राम श्री देवी महाविद्यालय अतरौली अलीगढ़ जो है, इसके जो बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है यानी जो BCA है और ये जो BBA है, आपको ये पता चल गया कि आपके आपका जो कोर्स है वो BCA है। इसके बाद में आपको सीधा जंप करना है इधर एग्जाम सेंटर पे, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि यही कॉलेज है जिसमें आपको जाना है अपना एग्जाम देने। ये जो लाला राम श्री देवी महाविद्यालय है इसके चाहे BBO हो चाहे BCA हो, दोनों का ही जो सेंटर है वो यहीं पर ही है, वीरांगना अवंती बाई गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अलीगढ़ में। ठीक, वैसे ही आपको देखना है। जैसे अगर आपका विद्यालय ये है RJ महाविद्यालय रायपुर अलीगढ़, तो आपको क्या करना है अपना सीधा कोर्स देखना है। अगर आपका BPED है कोर्स यानी बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन कर रहे हैं आप, तो आपको फिर देखना है थर्ड चीज़ ये यही ही होगा आपका कॉलेज यानी कि आपका सेंटर कॉलेज। ठीक, यही ही होगा आपका सेंटर कॉलेज। इतनी चीज़ बस क्लियर रखिए। बस सीधा यहाँ पे क्या करना है आपको, फर्स्ट नंबर पे देखना है ये अपना कॉलेज का नाम, दूसरे नंबर पे देखना है अपने कोर्स का नाम, तीसरे नंबर पे देखना है अपना एग्जाम का सेंटर। इससे आपका कोई मतलब है नहीं, ये नोडल सेंटर है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, इसको आप देखो भी मत, आपको सिर्फ ये तीन चीज़ें देखनी है। अब मैं क्या करती हूँ धीरे 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 इसको बढ़ा देती हूँ आगे और आप यहाँ पे देख लीजिएगा जो भी आपका सेंटर लिस्ट है। मैं एक एक करके दिखा देती हूँ सबको। जैसे ये DS के तो जितने भी होंगे या DS के आसपास वाले जितने भी हैं उनका सबका DS के अंदर ही है। जैसे आप यहाँ देखेंगे ये DS कॉलेज या अलीगढ़ कॉलेज ऑफ एजुकेशन, चाहे गगन कॉलेज हो, चाहे इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी हो, चाहे DS कॉलेज हो, चाहे DS कॉलेज, यहाँ के जितने भी कोर्सेज हैं इन सब का DS में ही है। ठीक, ये है DS कॉलेज। तो ये जितने भी कॉलेज यहाँ पे आपको दिख रहे हैं इन सभी कॉलेज का जो भी बायोटेक्नोलॉजी में है BSc या फिर और भी हैं BCom वाले कोर्सेज हैं या एडवांस डिप्लोमा है हेल्थ केयर सेंटर में, तो आपको सीधा बस यही ही करना है। यहाँ पे अपना कॉलेज का नाम देखो, इधर अपने कोर्स का नाम देखो और यहाँ पे देखो अपनी एग्जाम सेंटर कि आपका एग्जाम कहाँ पर पड़ा है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ा के देख लेते हैं। जो DS है उसका तो खैर DS में ही है, सेल्फ सेंटर ही है ये। जैसे ACN इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अनूप शहर है, इसका भी DS के अंदर ही है, तो आपको ये ACN देखना है और आपको सीधा देखना है फिर अपना कोर्स किस कोर्स में है आप, और सीधा इधर जंप कर दो ये क्या है DS कॉलेज, तो DS कॉलेज में ही होगा आपका। ये आप ऐसे ही आसानी से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे आप ये थर्ड वाला लिस्ट देख लेंगे फिर इसके बाद में, जो ACT है इसका भी, जो BCA का जो BCA कोर्स है उसका भी DS कॉलेज के अंदर ही है, और जो BCA है उसका भी अलीगढ़ कॉलेज के अंदर ही है, अमृता सिंह मेमोरियल डिग्री कॉलेज का भी, तो गगन कॉलेज जो है उसका भी BCA जो है उसका भी यहीं पर ही है,
आईटीएम कॉलेज जो है उसका भी जो बीसीए का सेंटर है वो भी यहीं पर ही है, और इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन आईआईएमटी जो है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, इसका भी जो बीसीए का है वो भी यहीं पर ही है। तो आप इस तरह से देख लीजिएगा, ये पीएम कॉलेज है, इसका भी बीसीए का सेंटर यहीं पर ही है, डीएस कॉलेज अलीगढ़ में ही है। ठीक, तो आप इस तरह से ना अपने अपने कॉलेज देख लीजिएगा अच्छे से। ये पीएम कॉलेज ऑफ एजुकेशन अलीगढ़, इसका भी जो बीसीए का है वो यहीं पर ही है। एसएसएलडी वार्षने का भी जो बीसीए का है वो यहीं पर ही पड़ेगा, डीएस कॉलेज में ही। विजन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड मैनेजमेंट का भी जो बीसीए का है वो यहीं पर ही पड़ेगा, डीएस कॉलेज के अंदर ही। तो इसी तरह से बस आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने इंस्टीट्यूट का नाम देख लेना है। यहाँ से अपने इंस्टीट्यूट का नाम देखो, अपने इंस्टीट्यूट का नाम देखने के बाद में अपना कोर्स देखना है इधर, और कोर्स देखने के बाद में सीधा देख लो ये एग्जाम सेंटर। तो ऐसे ही करके आप अपने कॉलेज का देख सकते हैं। बाकी मैं, अगर आपका कॉलेज अभी तक नहीं भी आया है तो मैं स्लो स्लो करके चला ही रही हूँ, आप इसको एक बार रोक के वीडियो को और देख लीजिएगा कि आपका जो कॉलेज है वो कहाँ पर है, आपका कोर्स कौन सा है और आपका एग्जाम सेंटर कौन सा रहेगा। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा लिस्ट है। अगर मैं इसका पूरे का वीडियो अच्छे से बनाने लगी तो ये कम से कम एक घंटे की वीडियो तो यही ही बन जाएगी। तो कुछ नहीं करना आपको, बस इधर देखिए, यहाँ पे जैसे ये आईआईएमटी कॉलेज है, इसका जो बीबीए का है वो वार्षने कॉलेज में है, जबकि जो आईआईएमटी का बीसीए का था वो डीएस कॉलेज में है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ आपको सीधा क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले अपने इंस्टीट्यूट का नाम देखो, दूसरे नंबर पे आप देखो कि आपका कोर्स क्या है, और तब तीसरे नंबर पे जाओ कि आपका कॉलेज कौन सा रहेगा, यानी आपका सेंटर कौन सा रहेगा। ठीक, वैसे ही मैं आगे कर करके और दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, ये नेक्स्ट लिस्ट आ गई है, तो आप इसको देख सकते हैं। चौधरी चरण सिंह शिवदान सिंह कॉलेज जो है ग्लास वाला, उसका वार्षने कॉलेज में गया है, और किसका गया है, बीएससी एग्रीकल्चर का गया है। इसके अंदर शिवदान सिंह कॉलेज का ही जो बीपीएड का है वो भी वार्षने कॉलेज में ही गया है। वार्षने कॉलेज अलीगढ़ में जो डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, उसका कहाँ गया है, वार्षने कॉलेज में गया है। तो ये आप देख लीजिएगा अच्छे से कि आपका जो कॉलेज है वो कौन सा है। ये रहा, और इसके बाद में यहाँ पर एक दो पेजेस और हैं, इसके बाद एक पेज और है बस इसका, तो ये देख लीजिएगा अच्छे से। यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन का एसके कॉलेज जीटी रोड एटा का जो है वो जेएलएन पीजी कॉलेज एटा के अंदर है। ये यहाँ पे जितने भी कॉलेजेस हैं, यहाँ पे कॉलेज देखो अपना सीधा, उसके बाद में क्या देखना है आपको, सीधा देखना है इसके बाद में अपना कोर्स कौन सा है। कोर्स देखने के बाद में आप देखो सीधा कि आपका सेंटर कौन सा है। ये जितने भी यहाँ पे कोर्सेज हैं और जितने भी यहाँ पे कॉलेज हैं, इन सारे कॉलेजों के ये सारे कोर्सेज का यहाँ पर ही जाएगा, जेएलएन कॉलेज एटा के अंदर। तो आप इस तरीके से ये सब देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। ये लास्ट पेज और है बस, तो ये रहा आपका लास्ट पेज, इसको भी देख लीजिएगा। तो इसी तरह से देख लीजिए और जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए अगर आपको चाहिए तो, जहाँ भी आपका कॉलेज है। ये हाथरस, ये कासगंज का है, ये दो हैं यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर्स, और ये आपके सारे के सारे कॉलेज के नाम हैं, ये कोर्स के नाम हैं। तो दोनों चीज़ें देखनी है आपको, अपना कॉलेज का नाम प्लस अपना कोर्स का नाम, और तब आइएगा यहाँ पर कि ये आपका सेंटर कौन सा रहेगा। ठीक, चलिए तो ये यहीं तक ही था आज का वीडियो, थैंक यू। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।